नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में सर्दियों की प्रसिद्ध मिठाई गाजर का हलवा बना रहे हैं। फ्रेंड्स, सर्दियां हो और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं गाजर के हलवे को बनाने का एक ऐसा आसान तरीका बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपको गाजरों को ना घिसना पड़ेगा, ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आधा घंटे में आप फटाफट से हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवे के लिए हमने यहाँ पर लगभग 1.5 किलो गाजर ली हुई हैं। फ्रेंड्स, आप हलवे के लिए इसी प्रकार मोटी मोटी गाजर लें, क्योंकि मोटी गाजर का हलवा मीठा बनता है, क्योंकि ये गाजर मीठी होती है। फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें इस इलायची को भी अभी घी में ही डाल दें, जिससे कि हलवे में बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, काजू थोड़ा सा इस प्रकार दबा लें।
या फिर आपके पास मैसर नहीं भी है तो आप इसी चम्मच से फ्रेंड्स गाजरों को इस प्रकार बारीक तोड़ लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये बॉईल हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी केवल 5 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं पूरा पानी जल चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है और गाजर भी अब और अच्छे से मैश हो गई हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम खोआ यानी कि 1/4 शेर मावा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खोआ नहीं है तो आप इसकी जगह 250 ग्राम फ्रेश मलाई, जो कि हम दूध से निकाल कर रखते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मलाई भी नहीं है तो आप इसमें 150 ग्राम मिल्क पाउडर डालकर भी हलवा तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये खोआ डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खोआ भी इसमें अच्छे से मिल चुका है। अब हमारा हलवा एकदम से बनकर तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप इसमें थोड़ा सा घी और ऊपर से ऐड कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर से घी डालने से इसमें खुशबू और भी अच्छी आएगी। अब आप गैस को बंद कर दें और हलवे को आप अब सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।